नमस्कार दोस्तों, वेलकम एट द आरटीएससी गुरु। मैं हूं देव द डेवॉप्स और आप देख रहे हैं आज हमारी सीरीज की चौथी वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कनेक्शन टाइम आउट क्या होता है। सो मोस्टली हम जब EC2 बनाते हैं तो एक कॉमन एरर आती है, कनेक्शन टाइम आउट। तो कनेक्शन टाइम आउट क्या होता है, किस वजह से आता है, उसका क्या रीज़न है? तो पहली बात, उसका रीज़न होता है सिक्योरिटी ग्रुप। जब भी सिक्योरिटी ग्रुप हम किसी EC2 से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका पोर्ट जो है डिफाइंड नहीं होगा, तो हमेशा कनेक्शन टाइम आउट का एरर आएगा हमें किसी भी EC2 इंस्टेंस में या कहीं पे भी। सो उसको कैसे रिजोल्व करें, आए हम चलते हैं, एक EC2 बनाते हैं और यहाँ पे हम उसका नेम दे देंगे। नाम आप कोई भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। इंस्टेंस हम लिनक्स का ही बनाएंगे। उसके बाद इंस्टेंस टाइप वही रहने देंगे जो हमें TTU माइक्रो मिला हुआ है फ्री टीयर में। उसके बाद की पेयर बनाने के वक्त हमें एक चीज़ का ख्याल करेंगे, हम की पेयर जो बनाएंगे पैम का बनाएंगे, ओके, इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि Windows 10 आप यूज़ कर रहे हैं या उससे एडवांस कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम पैम यूज़ करेंगे। अगर Windows 10 से नीचे है कोई भी विंडोज सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम PPK यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे की नहीं बना रहे हैं क्योंकि की पहले से भी बनी हुई है, मैं वही यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे ये वाली की सिलेक्ट कर लें और उस पर, उसके बाद नेटवर्किंग सेटिंग में जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो पहले से बने हुए होते हैं उसकी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, सही है। और उसमें ये पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है फायरवॉल्स अलो किए हुए हैं, एक तो SSH अलो की हुई है और उसके बाद हम एक और अलो करेंगे HTTP। अभी जो है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप ये बनेगा, उसका नाम होगा लॉन्च विजार्ड 6, क्योंकि मेरे पास पहले भी 4-5 सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं। एक और मज़े की बात है कि एक ही सिक्योरिटी ग्रुप जो है हम कई EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद एडवांस पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक बेसिक सी स्क्रिप्ट दे देंगे इसको जो हमें EC2 चलाने में मदद करेगी। सो मैं ये कॉपी करूँगा यहाँ से और आपसे भी शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, कॉपी कर लें और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद क्रिएट इंस्टेंस कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है एंड इट्स क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और हमारा रनिंग इंस्टेंस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारा एक जो है इंस्टेंस बन रहा है, ये बन चुका है, बल्कि ये कनेक्ट हो रहा है अभी, इसकी जो है स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी ये रनिंग स्टेटस में आ गया है। यहाँ पे देखिए ये इशू जो है वो आता है जब भी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप का इशू होता है, तो ये गोल गोल घूमता ही रहता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद जो है बताएगा टाइम टू लॉन्ग, ओके, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, ऐसा ही कुछ एक एरर मिलेगा हमें। अगर ऐसा कुछ मिलता है, देखिए यहाँ पे साइट कांट रीच टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे HTTPS हमने तो इसको प्रोटोकॉल दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे HTTP और ये हमारा देखें EC2 जो है चल रहा है। सो आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही है। ऐसे ही हमें चेक करना है, इन केस आपका जो है EC2 वो नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी पे चले जाएं। सिक्योरिटी के बाद जो आपका EC2 सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्ट है, इस पे आप क्लिक करें और चले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स जो है, इनबाउंड रूल क्या है, ये हमें
इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो है एक ट्रैफिक अलो करता है। यहाँ पे हम जो है सिक्योरिटी ग्रुप को पोर्ट अलो करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले से ही जो है SSH पोर्ट अलो है उसको हम डिलीट कर देते हैं, बल्कि और HTTPS भी है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। अभी हम उसको सेव द रूल्स करेंगे। तो फिर यहाँ पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, वो इशू जो है हमें पहले आ रहा था अभी भी आ रहा है। देखिए चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि इसका सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिलीट कर दिया है। अभी इसको फायरवॉल की मत जो है पहले जो हमारा जो है एरर आया था वही आएगा। यहाँ पे हम जाएंगे फिर से इनबाउंड में और यहाँ पे हम रूल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम HTTP लिखेंगे और इसको अलो करेंगे, पोर्ट हमारा 80 आ गया, और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट एनीवेयर करेंगे, ठीक है। IP हमारी 0.0 हो जाएगी, कोई भी IP हमने यहाँ पे एलोकेट नहीं की है। सेव द रूल्स करेंगे और ये बन गया। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो फिर से चलने लग गया। तो इतना ही आसान है। अगर कहीं भी आपको ये इशू आता है तो 100% सिक्योरिटी ग्रुप का ही इशू होता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।